हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ 100% नेचुरल होममेड हेयर कंडीशनर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है इसको बनाना एंड आप इसको इंस्टेंट ही बना के यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने इसमें लिया हुआ है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल 1 स्पून के करीब मैंने लिया है, आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सेकेंड मैंने इसमें लिया हुआ है विटमिनी की कैप्सूल, 2 विटमिनी की कैप्सूल मैंने लिया हुआ है। इसे अच्छे से इसमें निकाल लेना है। एलोवेरा जेल हमारे हेयर को डीप क्लिंजिंग प्रोवाइड करता है एंड ड्राइनेस को ट्रीट करता है, ड्रैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है एंड हमारे हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छे से हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है ये। एंड सेकेंड थिंग मैंने इसमें यूज़ किया विटमिनी की कैप्सूल। विटमिनी की कैप्सूल हमारे हेयर से जो भी केमिकल हमने यूज़ किए हैं हमारे हेयर में, जो भी उसका इफेक्ट हुआ है हार्मफुल, इन सबको ट्रीट करता है ये, हमारे हेयर में शाइनिंग प्रोवाइड करता है। काफ़ी अच्छा सा होममेड कंडीशनर है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसके इफेक्ट आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। आप इसको यूज़ करिए, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा और ये काफ़ी अच्छा कंडीशनर है, आप इसको तुरंत ही बना के यूज़ कर सकते हो। इस तरह से एलोवेरा जेल एंड विटमिनी की कैप्सूल दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारे हेयर के लिए। इस तरह से पूरे हेयर की लेंथ में हमें इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट तक अप्लाई रहने देना है, उसके बाद हमें अपने हेयर को वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आप देखोगे कि आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे एंड डीप क्लीनिंग कर देता है एलोवेरा जेल हमारे हेयर की। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कंडीशनर, आप लोग भी इसको ट्राई करिए और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। गाइज मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइज, टेक केयर।